आज एशिया में मौजूद लाखों ग्रेजुएट्स घर बैठे हुए या तो पबजी खेल रहे हैं या डेटिंग ऐप्स पे अपना टाइम जाया कर रहे हैं। मेरी जान मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और दूसरी जानिब यूएसए, जहां नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में नई नई इजादात कर रहे हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी में कितना पीछे हैं? जरा इस रिपोर्ट को देखें। मॉर्निंग पोस्ट नाम के एक इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसी के अनुसार इंडिया में रिसर्चर्स की तादाद है जस्ट 0.014% ऑफ द पॉपुलेशन। आज हम जानेंगे कि अगर हम टाइमली एआई को अडॉप्ट कर लेते तो कहां होते, आखिर हमें इतना पीछे धकेलने की वजूहात कौन कौन सी हैं और कैसे हम अगले चंद सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। चाहे आप जोन सी भी एज में हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन एआई के मुतालिक एक डिटेल रोड मैप के लिए बस आपका वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका वतन भारत हो या बांग्लादेश, पाकिस्तान हो या श्रीलंका, हर जगह हमें चंद पैसों में ज्यादा मेहनत करते लोग दिखाई देते हैं। सख्त सर्दी हो या शदीद गर्मी, आखिर क्यों हमारे बाप को सारा दिन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ती है जिसके बदले उन्हें सिर्फ चंद हजार रुपए मिल पाते हैं। दूसरी तरफ कोई अपनी बेटी की फीस के लिए सारा दिन रिक्शा चला रहा है और फिर भी वो फीस अदा नहीं कर पाता। कराए का घर है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, यार हम लोग क्या क्या पूरा करेंगे यार। खुदा के लिए हम लोगों को जीने दो यार, नहीं जीने दो तो हम लोगों को मार दो यार। हम लोग फिर वो मौत हम लोग खुशी से तस्लीम करेंगे भाई जान, अल्लाह का वास्ते यार। पढ़े लिखे नौजवानों की हालत इतनी बुरी है कि NCAER के एक सर्वे के मुताबिक इंडियन गिग वर्कर यानी एक डिलीवरी बॉय 69.3 आवर्स एक वीक में काम करता है। और क्या आप जानते हैं सिर्फ इंडिया में इनकी तादाद कितनी है? 70 लाख, मतलब वो एक माह में 40 दिनों का काम करता है और इसके बावजूद भी सालों काम करके अपनी बाइक भी अपग्रेड नहीं कर पाता। चले मान लिया थोड़ा ही सही, ये तो कुछ कमा ही रहे हैं। अब जरा इंडिया के उन लोगों के बारे में सुनिए जो जॉब की तलाश में भटक रहे हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक हर 3 में से एक शख्स बेरोजगार है। और क्या आप सोच सकते हैं इनमें से ज्यादातर कौन है? ग्रेजुएट्स। ये है हमारे इंडिया के ग्रेजुएट्स की वर्थ। और दूसरी तरफ यूएसए, जहां सिक्योरिटी कैमराज एआई से कंट्रोल किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां भी मौजूद हैं, मगर इन कैमराज की निगरानी एसी वाले रूम में बैठकर कर रहे हैं। उधर रिक्शा ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर को समझा जाता है, जो सिर्फ 8 घंटे में इतना कमा लेते हैं कि जिंदगी आसानी से गुजर जाए, वो भी बगैर मुशक्कत किए। ये बात नहीं कि उधर हालात बुरे नहीं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं जितने यहाँ हैं। उधर के शहरी फ्रस्ट्रेट तो हैं, मगर अमीर होने के लिए। और इंडिया की क्या सूरत हाल है, जरा इस रिपोर्ट को देखें। 74% इंडियंस हेल्थी डाइट ही अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर इतना डिफरेंस क्यों? हम तो मेहनत उनसे बहुत ज्यादा करते हैं। दोस्तों, आप इस बात को जितना भी कुरेद कर देखेंगे तो आपको हमारी सिर्फ एक गलती नजर आएगी कि हमने टेक्नोलॉजी और एआई को टाइमली अडॉप्ट नहीं किया। चाहे इंडिया ने स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा इंजीनियर पैदा कर दिए हैं, मगर स्विट्जरलैंड आज भी हमसे बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को टाइमली अडॉप्ट किया। गूगल जैसी बड़ी कंपनी को आज भी 30% इंडियन एम्प्लॉयज चला रहे हैं। क्या ये खुश होने वाली बात है? ऑफ कोर्स ये सुनकर मैं तो आप खुश ही होते होंगे, मगर इसके साथ एक तलख हकीकत भी जुड़ी है। सिर्फ 2023 में गूगल ने तकरीबन $300 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू कमाया और इसका 1/3 किसने कमा कर दिया? इंडियंस ने। और हमारे पास आई सिर्फ सैलरीज। आज हमारा डिजाइनर जहां सारा दिन जॉब करके 2-4 पोस्टर्स बना पाता है, उधर के लोग एआई का यूज करके मिनट्स में उस जैसे अच्छे डिजाइन तैयार कर लेते हैं। आज हमारे मसले लो लेवल की एजुकेशन है और वहाँ उनका ट्यूटर ChatGPT है, जिससे वो घर बैठे एक क्लिक में अपनी जिंदगी के हर काम में इससे हेल्प ले रहे हैं। हमारी सूरत हाल क्या है कि सिर्फ इंडिया में 20% लोगों के पास भी लैपटॉप या पीसी नहीं पहुंच सका। अगर 90 करोड़ से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी की बेसिक डिवाइस से महरूम हैं, तो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या सीख सकेंगे? ये तो है इंडिया, जिसको दुनिया सबसे बड़ी मार्केट समझती है, तो सोचे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्रीज की क्या हालत होगी। और अगर एजुकेशनल कंटेंट की बात की जाए, हालात तो ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा व्यूज उन वीडियोस को मिल रहे हैं जिनमें अब्यूजिव लैंग्वेज
लैंग्वेज यूज की जा रही है। और अगर कोई अच्छा यूट्यूबर वैल्यू एडेड कंटेंट देने की कोशिश भी करता है तो उसकी वीडियोस डिलीट कर दी जाती है और वो अरसा लगाकर अदालतों में केस लड़कर उस वीडियो को री अपलोड करता है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फ्रूट जूसेस के ऊपर, मेरे ऊपर कोर्ट केस किया गया और इस वीडियो को यूट्यूब से हटाया गया। दूसरी तरफ यूएसए को ले लीजिए, वहाँ एआई और स्टेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिर्फ बात ही नहीं हो रही। Sam Altman, the founder of OpenAI, the company behind ChatGPT, is calling for a $7 trillion investment in the industry. बल्कि AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए मेहनत की जा रही है जो कि AI का एडवांस लेवल है। उधर सब्सक्राइबर्स अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए कभी मार्क जुकरबर्ग से पॉडकास्ट कर रहे हैं और उनकी कभी मीटिंग चल रही है इलन मस्क के साथ। और आज भी हम क्या चाहते हैं, एक बल्क तादाद में कैरीमिनाटी और डकी भाई पैदा करना ताकि मैं और आप उन लोगों को फॉलो करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मजीद टेक्नोलॉजी में तरक्की से दूर कर सकें। बट इधर आपके जहन में सवाल आया होगा कि मान लिया रिसोर्सेज की कमी है, एजुकेशनल सिस्टम अच्छा नहीं है, मगर अब वो रोड मैप बताएं जिसका हमें इंतजार है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि कैसे घर बैठे हम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम ये तहिया करें कि हम मिलकर अपने देश को बदलेंगे और यही पाक, भारत, बांग्लादेश जैसे ममालिक के लिए एक बड़े स्टार्टअप की शुरुआत है। सेकंड पे वो 20% इंडियन जिनके पास पीसी या लैपटॉप है वो कोई स्पेसिफिक स्किल सीखने का अजम करेंगे, लेकिन इससे भी पहले अपने पीसी में ChatGPT इंस्टॉल करें। ये एक ऐसा AI सॉफ्टवेयर है जो आपके हर सवाल का जवाब एक प्रोफेशनल टीचर की तरह देगा। आपको डाइट प्लान चाहिए तो इसको प्रॉम्प्ट दें। प्रॉम्प्ट वो इनपुट है जो आप इस AI सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आपको मोटापा कम करना है तो इससे टिप्स लें, हत्ता कि अगर आप परेशान हैं तो ये आपको टेंस सिचुएशन से निकलने के लिए रिलैक्स करने की थेरेपीज भी बताएगा। मान लिया कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसमें सवाल करें, ये आपको उसी लैंग्वेज में आसान अल्फाज में जवाब देगा। और अगर आपको लिखना भी नहीं आता तो इसमें वॉइस का ऑप्शन है जिसके जरिए आप कुछ भी बोलकर इससे गाइडेंस ले सकते हैं। और साथ ही अपने स्मार्टफोन में भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाने का ये पहला स्टेप है। सेकंड, अगर आप मैट्रिक या इससे ऊपर किसी क्लास में पढ़ते हैं तो अपने इंटरेस्ट को डिफाइन करें और उसके मुताबिक कोई स्किल चूज कर लें। मतलब अगर आप पेंटिंग बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आज ही अपने पीसी में एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करें और यूट्यूब से इसकी क्लासेस लें जिसको सीखकर आप जैसा चाहें डिजाइन और तस्वीर बना के उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो शूटिंग का शौक है तो प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करें, इसके भी यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के प्रैक्टिस करें और वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल हासिल करें। याद रहे हम जिन स्किल्स का आपको बता रहे हैं इनको थोड़े से अरसा में आप सीखकर ऑनलाइन अपवर्क, फाइवर और स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे क्लाइंट्स के लिए काम करके हजारों डॉलर्स भी कमा सकते हैं। ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ये स्किल्स आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खोलेगी। और ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स का फ्री डिटेल कोर्स आपको GFX मेंटोर जैसे चैनल्स पे मिल जाएगा। अब आ जाएं उस सवाल की तरफ कि एक आम सा स्टूडेंट कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखे और उसका स्कोप में आगे बढ़े। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, याद रखिएगा वो 25 करोड़ पाकिस्तानी हो या 1 अरब से ज्यादा भारतीय, इन सब में हमें सिर्फ एक सैम आल्टमैन ही चाहिए होगा। एक इलोन मस्क जैसा शख्स पूरे मुल्क की बेरोजगारी और गरीब लोगों को एजुकेट करने का सहारा बन सकता है। सैम आल्टमैन जो कि ओपन AI यानी ChatGPT बनाने वाली कंपनी के CEO हैं, इन्होंने 2015 को ओपन AI कंपनी बनाई। उनको 2018 और 19 तक कोई भी नहीं जानता था, मगर सिर्फ 3 से 4 सालों में इस शख्स ने ChatGPT बना दिया, वो AI चैटबॉट जिसने गूगल जैसी कंपनी को भी हिला दिया। तो याद रखिएगा कि चेंज लाने के लिए कोई एक शख्स ही काफी होता है। ये बात तो आप जहन नशीन कर लें कि आप AI के रिलेटेड अगर किसी भी एक स्किल को सीख गए तो आपको फौरी जॉब मिल जाएगी और AI की फील्ड की सैलरीज 1 लाख प्लस ही होगी। सेकंड ये कि आप AI की स्किल इन्हांस करके ना सिर्फ लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे बल्कि आप ChatGPT, गूगल बार्ड, जेमिनाई, मिड जर्नी इन जैसे AI टूल्स भी बना पाएंगे जिससे ना सिर्फ लोगों के लिए एजुकेशन की फील्ड में आसानी होगी बल्कि आप उस सॉफ्ट प्रोडक्ट यानी सॉफ्टवेयर की बेस पे एक बड़ी कंपनी भी बना पाएंगे जो आपके कंट्री में इकोनॉमी को बेहतर करने में कंट्रीब्यूट करेगी। अब वापिस आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोड मैप की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन 2 स्टेप्स में समझिए।
नंबर वन टेक्निकल एंड सेकंड इज नॉन टेक्निकल। पहले हम नॉन टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं। नॉन टेक्निकल स्किल्स में सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को देखिए। प्रॉम्प्ट बेसिकली ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो आप एआई टूल्स को देते हैं और उस इनपुट की बेस पे वो टूल आपको आपकी नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। इस स्किल में आपके वर्ड्स की राइट सिलेक्शन और एआई टूल की अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है और उसकी डिमांड हर दिन के साथ बढ़ रही है। जरा इन तस्वीर और वीडियोस को देखें, इनको किसी ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर ने नहीं बनाया, बल्कि ये सब कुछ प्रॉम्प्ट से ही एआई टूल के थ्रू जनरेट किया गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉम्प्ट इंजीनियर सालाना $3 लाख से भी ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, जो कि इंडियन तकरीबन 7 करोड़ रुपीज बनती है। इसी प्रॉम्प्ट इंजीनियर की स्किल से आप ड्रामा स्क्रिप्ट, रिसर्च आर्टिकल, इंगेजिंग स्टोरी और अपने YouTube चैनल के लिए एक इंगेजिंग सा स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, जो कि आपकी स्किल्स इन्हांस करने और फ्यूचर बनाने में मददगार साबित होगा। इसी तरह अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन डिफरेंट फील्ड में जा सकते हैं, जिनमें डाटा साइंस, AI इंजीनियरिंग और ML ऑप्स इंजीनियरिंग प्रोमिनेंट है। याद रहे कि AI की जिस भी टेक्निकल फील्ड में कदम रखेंगे तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना लाजमी है। ये वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू ही आप AI की फील्ड के माहिर बन सकते हैं। अगर आप वाकई ही कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो श्रद्धा खापरा का चैनल अपना कॉलेज या कोड विद हैरी, इन चैनल्स पे जाके ये लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और ये क्रिएटर्स भी कंटेंट हिंदी उर्दू में बनाते हैं। अब अगला सवाल आता है कि ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। एक्चुअली कंप्यूटर लैंग्वेजेस की तादाद तो काफी ज्यादा है, बट अगर आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज भी सीख जाते हैं देन दिस इज इनफ टू सिक्योर योर जॉब इन IT इंडस्ट्री, जिनमें C++, जावा, पाइथन ये 3 लैंग्वेजेस कॉमन है। बट याद रहे कि आप इन कोर्सेज के इनिशियल स्टेप्स और बेसिक इंट्रोडक्शन ChatGPT से भी पूछ सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन ChatGPT से करेंगे वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर जवाब देगा। ये करने से आप इन लैंग्वेजेस वाले कोर्सेज को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब वापस AI की उन 3 फील्ड्स के बारे में जानकर बात खत्म करते हैं जिनकी हम पहले बात कर रहे थे। नंबर 1 डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट AI की फील्ड को बुलंदियों तक ले जाने में एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि गूगल एक दिन में 250 करोड़ GB डाटा मैनेज करता है, जो कि डेटा साइंटिस्ट की टीम के बगैर इम्पॉसिबल है। डेटा साइंटिस्ट लार्ज नंबर ऑफ डेटा को अपने स्टेटिस्टिकल, एनालिटिकल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल से गुजारता है, जिसके बाद ही बड़ी बड़ी कंपनीज को अंदाजा हो पाता है कि आखिर लोग चाहते क्या है, और इसके बाद फिर उस जरूरत को देख के कोई भी प्रोडक्ट या टूल डिजाइन किया जाता है। अब अगला सवाल ये है कि डेटा साइंटिस्ट काम कैसे करता है, इसको आप एक मिसाल से समझ लीजिए। ये है APIs, जिसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहा जाता है। जब आप उबर या क्रीम यूज करते हैं तो सामने मैप आ जाता है, जिससे उबर या राइडर को एक दूसरे की लाइव लोकेशन पता लग पाती है। अब ये डाटा डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको नहीं पहुंच रहा होता, बल्कि इनके दरमियान गूगल मैप की तरफ से एक सिक्योरिटी लेयर होती है। अब उबर और क्रीम आगे APIs को रिक्वेस्ट करती हैं और गूगल मैप इन रिक्वेस्ट से उन एप्स को डाटा की एक्सेस देता है, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा साइंटिस्ट की ही है। स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन और गूगल मैप जैसी बड़ी बड़ी एप्स बनाने में डाटा साइंटिस्ट का ही मेजर रोल है। और अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो आप 8 लाख से 30 लाख तक सालाना कमा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ML ऑप्स इंजीनियर। ML ऑप्स इंजीनियर को DevOps इंजीनियर भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म मशीन लर्निंग ऑपरेशंस है। यहाँ हम आपको मशीन लर्निंग का भी बता देते हैं। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो डेटा और इंफॉर्मेशन से लर्न करके प्रेडिक्शन कर सके और पास्ट डेटा की बेस पे ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ML ऑप्स इंजीनियर सीनियर डेवलपर ही होता है। जिसको आप इस मिसाल से समझिए कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो इतनी एक्यूरेसी से बगैर एक्सीडेंट के रोड पे चलती दिखाई देती हैं, इसके पीछे ML ऑप्स इंजीनियर ही होता है, जो ह्यूमन डेटा की बेस पे उस कार के एल्गोरिदम्स डिजाइन करता है, जिससे सेल्फ ड्राइविंग कार खुद ब खुद चल पाती हैं। USA में ML ऑप्स इंजीनियर की सालाना सैलरी $1,80,000 है, जो इंडियन 1.5 करोड़ रुपीज बनते हैं। अब बात करते हैं AI इंजीनियर की। ये डाटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कम्बिनेशन होता है, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स दोनों का एक्सपर्ट होता है। दुनिया के टॉप AI सॉफ्टवेयर जैसा कि गूगल असिस्टेंट, सीरी, मिड जर्नी, अलेक्सा और रेप्लिका जैसे AI टूल्स को AI इंजीनियर ने ही बनाया है। इंडिया में सालाना AI इंजीनियर 10 से 80 लाख कमा सकता है।
जाता है। इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद आप ये जरूर ज़हन में रखें कि टेक्निकल फील्ड में आने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक्सपर्टीज होना लाजमी है, और अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मैथ और स्टेटिस्टिक्स की बेसिक्स भी पता होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड तो बहुत बड़ी है, मगर आज हमने अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ हमने आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी है। नेक्स्ट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना आगे निकल पाते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो आप ही वो हैं जो अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।